साथ आपके खिदमत में हम दोबारा हाजिर हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो नेक्स्ट टॉपिक पर है, क्योंकि इससे पहले हमने इस्लामियात के एमसीक्यूज दिए थे, तो उम्मीद है वो आप सब ने देखे होंगे, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आज जो है हमारी है वो केमिस्ट्री में जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है वो हमने उठाए हैं और आज उनकी वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी जगह टेस्ट एजेंसी में आपको आसानी हो टेस्ट देते हुए। ठीक है, तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। तो पहले सवाल में, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सालिक एसिड विद KMnO4 एंड H2SO4 इज स्लो एट द बिगिनिंग बट आफ्टर सम टाइम द रिएक्शन बिकम फास्टर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 विच एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी अगर हमने पढ़ने हुए तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर इसका ए है। ठीक है, उसके बाद जी दूसरे नंबर पर वो पूछ रहे हैं जी, व्हेन कॉपर इज अलाउड टू रिएक्ट विद HNO3 द रिएक्शन इज स्लो इन द बिगिनिंग फाइनली बिकम वेरी फास्ट, इट इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एन ऑटो कैटेलिस्ट विच इज CuNO3 टू CuO, उसके बाद जी O2 HNO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है HNO2, डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद जी तीसरे नंबर पर पूछ रहे, फॉर द कन्वर्जन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज द एंजाइम फॉर दिस, ये सारे इसने रिएक्शन दिया हुआ है आगे, रिएक्शन इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी इन्वर्टर्स। ठीक है, उसके बाद जी चौथे नंबर पर पूछ रहा है जी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच कैटलिस्ट द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द लिविंग सेल आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म एंजाइम्स वायरसेस बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एंजाइम्स बी, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है जी, एंजाइम्स कहलाते हैं। पांचवें पर वो पूछ रहे जी, द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ग्रेटली इन्हेंस्ड बाय टेम्परेचर इंक्रीजिंग लाइट प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर। ठीक है, तो इसका देखते हैं जी क्या आंसर है, टेम्परेचर इंक्रीजिंग लाइट प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स ऑफ एक्टिवेटर। ठीक है जी, यही इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम और एक्टिवेटर। ठीक है, छठे पर वो पूछ रहे जी, द नंबर ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल हूज कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इंतहाई इंपॉर्टेंट इसका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑर्डर बी, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्टिंग एजेंसीज के हवाले से। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन अ रिएक्शन रेट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ऑर्डर, मॉलिक्यूलरी रेट कांस्टेंट, रेट लॉ। डी इसका करेक्ट आंसर है रेट लॉ। ठीक है जी, उसके बाद जी आठवें नंबर पर पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम इसके सारे ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, जो करेक्ट आंसर है उसकी तरफ चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट बी। नौवें नंबर पर पूछ रहे जी, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन मे बी लोअर्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, बाय रिमूविंग द प्रोडक्ट्स, बाय एडिंग अ कैटेलिस्ट। तो बाय एडिंग द कैटेलिस्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। आखिरी दसवां सवाल आज की वीडियो का, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है जी, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, सेकेंड रेगुलेटर ऑर्डर होता है। ठीक है जी, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मेरी आपसे एक मतलब फिर वीडियो के एंड पे रिक्वेस्ट है, अभी आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वक्त वीडियो को लाइक करें, और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी किसी किस्म का, मैथ का हो और इंग्लिश का हो, जो भी आपको नहीं समझ आ रही आप वीडियो में कमेंट करके बताएं हमें, हम उसका सलूशन आपको कहीं से न कहीं से निकाल के दे देंगे। तो फिर एक मतलब रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।